अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FirstByte.tv। क्वारंटीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों के मुताबिक यूं तो किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है, यहां तक कि परिजनों को भी नहीं। लेकिन यदि बात भाजपा से जुड़ी हो तो सब चलता है। भाजपा के महानगर अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं से कोई भी मिल सकता है, घंटों वहां बैठ सकता है और इधर उधर की बातें कर सकता है। अगर जरूरत पड़े तो पुलिस व चिकित्सक बाकायदा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क नीचे कर वहां खड़े भी नजर आएंगे। मामला चूंकि सत्ता से जुड़ा है। कोरोना का सारा ठीकरा यूं तो जमातियों के सर ही फूटा, लेकिन हवा का रुख तब बदल गया जब मेरठ भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल को क्वारंटीन करना पड़ा। दरअसल महानगर अध्यक्ष के PSO विभांशु के पिता की कोरोना ने जान ले ली। टेस्ट हुए तो PSO व उसका भाई भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तुरंत ही सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए महानगर अध्यक्ष को भी क्वारंटीन कर दिया गया। रात में ट्रांसलेम अकादमी में रखा गया, लेकिन वहां अधिकांश शीशे टूटे होने वे उसमें मच्छरों की आवाजाही के चलते हसनापुर के दोषी धर्मशाला में उन्हें भेज दिया गया। यहाँ यदा कदा उनसे मिलने वाले लोग आते रहते हैं। आज भाजपा के विधायक अतुल खटीक भी अपने लाव लश्कर के साथ वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि सभी को खाना पीना सही मिल रहा है अथवा नहीं। भाजपा महानगर अध्यक्ष ने फेसबुक पर फोटो शेयर भी करते हुए कहा है कि दिनेश खटीक एक जिंदा दिल इंसान है और उन्होंने यहाँ सभी व्यवस्थाओं का जायजा ले कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। यहाँ सवाल उठ रहा है कि क्या शहर में तमाम स्थानों पर बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों में रखे गए आम लोगों से उनके परिजन अथवा अन्य को भी मिल सकता है? जवाब निश्चित रूप से नहीं ही होगा। बता दें कि मेरठ रेड जोन में है और यहाँ किसी भी तरह की छूट नहीं है। ऐसे भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना हो कि कोरोना जाति, धर्म, पंथ, मजहब, प्रभाव नहीं देखता, लेकिन मेरठ में तमाम लोगों ने स्वयं को इससे अछूता योद्धा मान रहे हैं। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए FirstByte.tv। नमस्कार।